हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी मॉक टेस्ट सीरीज के एक और मॉक टेस्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम हायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को कवर करेंगे, जहां पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जहां पर हम पहले क्वेश्चन में बात करेंगे वैल्यू एजुकेशन के बारे में। वैल्यू एजुकेशन यानी के मूल्य शिक्षा। वैल्यू एजुकेशन एक प्रोसेस है जहां पर जो है लोग आपस में एक दूसरे को मॉरल वैल्यूज देते हैं, यानी कि मूल्य शिक्षा जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग एक दूसरे को नैतिक मूल्य देते हैं। मॉरल वैल्यूज में इंक्लूड है जैसे सोशल वैल्यूज, पॉलिटिकल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, रिक्रिएशनल वैल्यूज यानी कि मनोरंजन मूल्य। अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो वो है बींग ऑनेस्ट विद अदर्स यानी कि दूसरों के साथ जो है ईमानदार रहना, पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति, ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली यानी कि हर एक को जो है इक्वल ट्रीट करना, चाहे वो नस्ल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेस पर हो, लॉ को फॉलो करना और साथ ही साथ जो है लॉ को इम्प्लीमेंट करने वालों की रिस्पेक्ट करना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मॉरल वैल्यूज के। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन के बारे में, यानी कि मूल्य शिक्षा के जो है हम कुछ उद्देश्य के बारे में बात करेंगे, जहां पर नंबर वन ऑब्जेक्टिव है फुल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी इन इट्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, यानी कि बच्चे के व्यक्तित्व का उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं में पूर्ण विकास। नंबर टू पर है इनकल्केशन ऑफ गुड मैनर्स एंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल एंड कॉरपोरेटिव सिटीजनशिप, यानी कि अच्छे शिष्टाचार और जिम्मेदार और सहकारी नागरिकता का समावेश। नंबर थर्ड ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग रिस्पेक्ट फॉर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि व्यक्ति और समाज की गरिमा के प्रति सम्मान विकसित करना। नंबर फोर पर है इनकल्केशन ऑफ अ स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, इनके देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना का समावेश। नंबर फाइव पर है डेवलपिंग अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग, यानी कि सोच और जीने का लोकतांत्रिक तरीका विकसित करना। नंबर सिक्स पर है डेवलपिंग टॉलरेंस टूवर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट रिलीजियस फेथ, यानी कि विभिन्न धार्मिक आस्थाओं के प्रति सहिष्णुता और समझ विकसित करना। नंबर सेवन पर है डेवलपिंग सेंस ऑफ ब्रदरहुड एट सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, यानी कि सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाईचारे की भावना का विकास करना। नंबर एट पर है हेल्पिंग पीपल्स टू हैव फेथ इन देमसेल्व्स एंड इन सम सुपरनेचुरल पावर दैट इज सपोज टू कंट्रोल दिस यूनिवर्स एंड ह्यूमन लाइफ, यानी कि विद्यार्थियों को स्वयं पर और कुछ अलौकिक शक्ति में विश्वास रखने में मदद करना जो इस ब्रह्मांड और मानव जीवन को नियंत्रित करने वाला है। नंबर नाइन पर है इनेबलिंग पीपल्स टू मेक डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ साउंड मॉरल प्रिंसिपल्स, यानी कि ध्वनि नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेने के लिए विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नंबर 10 पर वैल्यू एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है इवॉल्विंग द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया ऑन वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन मानदंड विकसित करना। नंबर 11 पर है सजेस्टिंग मेजर्स फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य शिक्षा के बेहतर उपयोग के उपाय को सुझाना। नंबर 12 पर है फाइंडिंग आउट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल्स इन रिलेशन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य शिक्षा के विभिन्न पहलुओं और गतिविधियों के संबंध में विद्यार्थियों के हितों का पता लगाना। नंबर 13 पर है क्लैरिफाइंग द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी कि मूल्य शिक्षा के अर्थ और अवधारणा को स्पष्ट करना। सो फ्रेंड्स, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वैल्यू एजुकेशन के जो कि आपको याद रखने हैं, और साथ ही साथ आपको इन एमसीक्यूज की पीडीएफ भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ इसी वीडियो के नीचे जो टॉप कमेंट होता है यानी कि जो पहला कमेंट होता है उसमें भी हमने जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया है, जहां से जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जो है आपको ये सभी पीडीएफ जो है प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्सेप्टेड मैकेले मिनट और ओपिनियंस टुवर्ड्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया ऑन 7th मार्च 1835,
दी ऑर्डर्स और रेजोल्यूशंस ऑफ बेंटिक वर, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को भारत के लिए शिक्षा की भाषा के प्रति मैकाले के मिनट या राय को स्वीकार किया। बेंटिक के आदेश या संकल्प थे, यानी कि आपको जो है बेंटिक के ऑर्डर्स और रेजोल्यूशंस को गेस करना है इन स्टेटमेंट्स में से। स्टेटमेंट ए है, इट हैज कम टू द नॉलेज ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल दैट अ लार्ज सम हैज बीन एक्सपेंडेड बाय द कमेटी ऑन द प्रिंटिंग ऑफ ओरिएंटल वर्क्स। हिज लॉर्डशिप इन काउंसिल डायरेक्ट्स दैट नो पोर्शन ऑफ द फंड्स शैल हेयर आफ्टर बी सो एम्प्लॉयड। स्टेटमेंट बी है, प्रस्ताव के आदेश में से एक यह था कि प्राच्य विद्या में यानी के ओरिएंटल लर्निंग में किसी भी शिक्षक का एक खाली पद तब तक भरा जाएगा जब तक सरकार उसे समय चीन पाएगी। सो फ्रेंड्स, कोड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आप करेक्ट कोड हमें बता सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। सो इनमें से जो करेक्ट कोड है वो है कोड सी। कोड सी क्या कहता है कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी जो है करेक्ट है, यानी कि ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के रेजोल्यूशन और ऑर्डर्स थे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में, जहां पर जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है आपका यूनिट 10 में हायर एजुकेशन सिस्टम का एक सब टॉपिक है। तो सबसे पहले जो है हम इन शॉर्ट में थोड़ा इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है जहां पर जो है इंडिविजुअल्स द्वारा इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता है और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एक्शंस लिए जाते हैं। इसके साथ ही जो है इंडिविजुअल इन्वायरमेंटल जो इश्यूज हैं उनके लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं और साथ ही साथ उनके पास स्किल्स होते हैं जिससे जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन ले सकें। सो फ्रेंड्स, अगर कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो जैसे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वन को काटना, ओवर फिशिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, ये सभी जो है आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, जहां पर स्टेटमेंट ए है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक निर्भरता के बारे में स्पष्ट जागरूकता और चिंता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्वायर दी नॉलेज, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, कमिटमेंट एंड स्किल्स नीडेड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव दी इन्वायरमेंट। सी स्टेटमेंट है, टू क्रिएट न्यू पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड सोसाइटी एज अ होल टूवर्ड्स द इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के प्रति समग्र रूप से व्यक्तियों, समूहों और समाज के व्यवहार के नए पैटर्न बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इनमें से जो है आपको करेक्ट कोड गैस करना है। कोड जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इनमें से जो करेक्ट कोड है वो है कोड नंबर 3। कोड नंबर 3 क्या कहता है, स्टेटमेंट ए बी सी, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं, यानी कि ये तीनों जो है इन्वायरमेंटल एजुकेशन के गोल्स हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टेरिटरी लेवल इज द डैश विच इन्फोर्सेज इट्स स्टैंडर्ड्स, एडवाइजेज द गवर्नमेंट एंड हेल्प्स कोऑर्डिनेट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एक्रेडिटेशन फॉर हायर लर्निंग इज ओवरसीन बाय 15 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय द डैश, यानी कि तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय डैश है जो अपने मानकों को लागू करता है, सरकार को सलाह देता है और केंद्र और राज्य के बीच समन्वय में मदद करता है। उच्च शिक्षा के लिए मान्यता डैश द्वारा स्थापित 15 स्वायत्त संस्थानों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, बी यूजीसी, सी एनटीए, डी एनसीईआरटी या फिर ऑप्शन ई सीबीएसई। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी यूजीसी, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द एम्फेसिस इन द टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन लाइज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
डैश इज द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि शिक्षा के तृतीय स्तर में जोर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर है। डैश दुनिया भर में छात्रों की संख्या से सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके पास दुनिया भर में लगभग 3.5 मिलियन छात्र हैं। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी इग्नू। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी के इन शॉर्ट में इग्नू। क्वेश्चन नंबर 6 है द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग सेटअप बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द कलकत्ता मदरसा इन डैश। ऑप्शन ए 1913, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1650, या फिर ऑप्शन डी 1781। सो फ्रेंड्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्च शिक्षा का पहला संस्थान ऑप्शन डी 1781 में कलकत्ता मदरसा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर जो है आपको करेक्ट पेयर गेस करना है। ऑप्शन ए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इस्टेब्लिश हुई थी, ऑप्शन बी बनारस संस्कृत कॉलेज जो है 1791 में इस्टेब्लिश हुआ था, या फिर ऑप्शन सी फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। सो फ्रेंड्स, कोड जो हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और करेक्ट कोड गैस कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो करेक्ट कोड है इनमें से कोड नंबर 4। कोड नंबर 4 क्या कहता है कि स्टेटमेंट ए बी सी यानी कि ये तीनों पेयर जो है करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ब्रिटिश कंट्रोल ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूड अंटिल द डैश दैट ट्रांसफर्ड मोर पावर टू प्रोविंशियल पॉलिटिशियंस एंड बिगेन द इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। This period witnessed a rise in the importance of physical and vocational education as well as the introduction of basic education schemes. बाकी हिंदी में जो क्वेश्चन है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1773, या फिर ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डैश विश्वविद्यालय जो संबद्ध प्रकार का है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज और यूनेस्को इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन का भागीदार है। यूजीसी ने 2002 में डैश यूनिवर्सिटी को 5-स्टार स्टेटस के साथ मान्यता दी थी जो उच्चतम रेटिंग है। शैक्षणिक और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में सिद्ध क्षमताओं के साथ डैश विश्वविद्यालय तकनीकी शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए 5 साल की अवधि के लिए यह सम्मान प्राप्त करने में सक्षम था। सो फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अन्ना यूनिवर्सिटी, बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सी इग्नू, या फिर ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो फ्रेंड्स, वो यूनिवर्सिटी है ऑप्शन ए अन्ना यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द डैश वॉज द फर्स्ट मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि डैश आधुनिक भारत का पहला बहुविषयक विश्वविद्यालय था। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन सी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, या फिर ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता जो है आधुनिक भारत का पहला बहुविषयक विश्वविद्यालय था। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें जो है हमने कुछ एमसीक्यूज को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का ऑप्शन आता है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।